ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले कुछ अमेजिंग अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर रिसेंटली कुछ स्मार्टफोन्स को स्पॉट किया गया है एंड्रॉयड 14 पर। यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन्स हैं, मतलब मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा कि सैमसंग इतनी जल्दी इतने सारे स्मार्टफोन के लिए अपडेट को प्लान कर रहा है एंड यहाँ पर अपडेट प्रोसेस में भी जा चुका है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के गैलेक्सी A52s के बारे में, जो कि हमारा गैलेक्सी A52 नॉन 5G वेरिएंट का एक 5G वेरिएंट था, जहाँ पर कि S यहाँ पर लगा दिया गया था। तो यहाँ पर सैमसंग A52s के लिए यहाँ पर एंड्रॉयड 14 का जो अपडेट है सैमसंग प्लान कर रहा है। साथ ही में यहाँ पर सैमसंग का जो गैलेक्सी S21 FE है, यानी कि S21 फैन एडिशन है, सैमसंग इस स्मार्टफोन के लिए भी एंड्रॉयड 14 का जो बीटा अपडेट है वो यहाँ पर लेकर के आ रहा है। इन दोनों ही स्मार्टफोन को रिसेंटली स्पॉट किया गया है एंड्रॉयड 14 के साथ में, एंड की जो बिल्ड नंबर है वो भी सामने निकल करके आ चुके हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी दिखा दूंगा। और अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि इनको अपडेट किस तरीके का मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट स्टेबल मिलेगा या पहले बीटा अपडेट हमें देखने को मिलेगा सैमसंग की तरफ से, तो एज सच अभी तक कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है। बट जो कि सैमसंग हमेशा से करता है उस हिसाब को देखते हुए, यानी कि पिछली बार जिस तरीके से सैमसंग ने अपडेट्स को रोल आउट करा था उस चीज़ को नज़र करते हुए देखा जाए, तो सैमसंग शायद से इन स्मार्टफोन्स को, यानी कि सैमसंग S21 FE और सैमसंग का A52s, दोनों ही स्मार्टफोन को डायरेक्ट स्टेबल अपडेट जो है प्रोवाइड कराएगा। बिकॉज जो बीटा अपडेट होता है वो सैमसंग के लेटेस्ट सीरीज़ के लिए होता है और पुरानी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए होता है। लेटेस्ट में यहाँ पर हमारे A सीरीज में से प्रीमियम A सीरीज़ आ जाती है, साथ ही में यहाँ पर हमारे सैमसंग की S सीरीज के लेटेस्ट स्मार्टफोन आ जाते हैं। कुछ लकी M सीरीज़ और F सीरीज़ के भी स्मार्टफोन्स होते हैं, जो कि सैमसंग के लगभग 20,000 के आसपास या उसके ऊपर की रेंज में आते हैं। वो स्मार्टफोन भी सैमसंग जो है उनको भी कभी कभी जो है बीटा प्रोग्राम के लिस्ट में डाल देता है एंड उनको भी जो है एंड्रॉयड बीटा को प्रोवाइड करा देता है। अब यहाँ पर जिनको नॉर्मली डायरेक्ट स्टेबल अपडेट मिलता है कोई भी मेजर ओएस अपडेट का, और जिनको बीटा अपडेट मिलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो बीटा अपडेट होता है वहाँ पर यूज़र का फीडबैक यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड वर्जन कर दिया जाता है उस एंड्रॉयड वर्जन का, एज़ कम्पेयर टू जिनको डायरेक्ट स्टेबल अपडेट मिलता है। जिनको डायरेक्ट मिल जाता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अनस्टेबल फॉर्मवेयर होती है, नाम की वो स्टेबल फॉर्मवेयर होती है, बट क्योंकि वहाँ पर अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको टेस्ट नहीं किया जाता है, तो मतलब जहाँ तक उनसे होता है वो उतना करते हैं, बट टाइम टू टाइम उसको थोड़ा टाइम लगता है। लगभग अपडेट अगर आपका रिलीज़ हो चुका है स्टेबल अपडेट, तो उसके लगभग 1.5 महीने या 2 महीने के बाद में जाकर के जो है आपका स्मार्टफोन पहले जैसा वर्किंग में आएगा, क्योंकि जब अपडेट आता है तो काफ़ी ज़्यादा बगी फॉर्मवेयर होती है और वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एंड मोस्टली यहाँ पर कैमरा के जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा है सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर स्लो मोशन के अंदर स्पेशली। तो ये था कुछ जो कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रहा था, एंड यही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।